वेलकम बैक। आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और एज पर डिस्कशन हमने मैं अपना वाला पोर्शन इसी टाइम पे रखूँगा। दूसरा आप थोड़ा सा आपको एडवांस पे जाना पड़ेगा, तो एडवांस के लिए जो बाकी क्लासेज हैं ऑप्टिकल फाइबर्स की हैं, मोबाइल्स की हैं और ब्रॉडबैंड में और डीपली जो कुछ है वो आपके शाम को 4 बजे, जैसा कि डिस्कशन किया है, तो अगले 4 सेशन जो होने हैं शाम को 4 बजे होंगे। और मेरा वाला जो सेशन है जिसमें अभी 3 चीज़ें रह गई हैं, एक आपका आज आईपी फोन बता रहा हूँ, कल हम लोग वीलैन के बारे में बात कर लेंगे, और एक सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे कि कैसे सिंपली प्रैक्टिकली जब कोई किसी एरिया में किसी कम्युनिकेशन को पूरी तरह से बंद करना होता है तो फिर कैसे किया जाता है, या जैसे कि चाइना में किसी पर्टिकुलर हमने पूरी तरह से कम्युनिकेशन बंद नहीं किया है, लेकिन उनके कुछ साइटें हैं जिसमें एक पॉपुलर साइट भी आप लोगों को मालूम होगा, टिकटॉक बोलते हैं, तो इस तरह से कुल मिलाकर 125 के आसपास, और अभी भी ये संख्या करीब 243 होने वाली है। तो इतनी संख्या के बल्क लेवल पे हमारा उससे कोई कम्युनिकेशन बंद नहीं है, लेकिन उसकी कुछ इम्पोर्टेंट कुछ ऐसी पॉपुलर साइटें हैं जो पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, लेकिन इंडिया उन्हें अपने यहाँ नहीं अलाउ कर रहा है। तो ऐसे पर्टिकुलर साइट को कैसे ब्लॉक किया जाता है, ये दोनों चीज़ें हम इस सेशन में देखेंगे। उम्मीद करते हैं अगले 4 से 5 सेशन में मेरा भी ओवर हो जाएगा, और मैं सेशन को ज़्यादा नहीं लंबा रखूंगा, 40 मिनट करीब, 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा होगा किसी वजह से हुआ तो, और पूरा प्रैक्टिकल ही रखेंगे। और इसके अलावा कुछ हमारे साइबर सिक्योरिटी और कुछ और भी जो थ्योरी पार्ट हैं वो भी हम आपसे क्लास करवाएंगे, ठीक है? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन करिए, क्योंकि अभी पहला हमारा उद्देश्य ये था कि आपको कम से कम बेसिक आइडिया लग जाए कि हमारा जो टेलीकम्युनिकेशन या इंटरनेट का जो इंफ्रा है वो कैसे काम करता है। और होपफुली कि आप सभी लोग कम से कम इतनी बात जरूर समझ पाए होंगे कि कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, चाहे आज के ज़माने का इंटरनेट कम्युनिकेशन बोल लीजिए या पहले जो हम लोग टेलीफोनी कम्युनिकेशन सिस्टम कहते थे, ये दोनों सिस्टम एक प्रॉपर तरीके से बनाया गया है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। इंडिया से बाहर भी अगर कहीं कम्युनिकेशन करना है या किसी भी कंट्री को बाहर की दुनिया में कम्युनिकेशन करना है तो एक प्रॉपर तरीके से हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और अभी तक जिस मीडिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है वो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्टिकल फाइबर नंबर 1 पे है। लोकली जिस मीडिया का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है वो कॉपर वायर पर है, और कस्टमर से आपके मोबाइल सिग्नल से जोड़ने वाले जिस मीडिया का प्रयोग किया जा रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है, ये हम है टावर से लेकर यहाँ पर, ठीक है? तो आज हम प्रैक्टिकल मैनर में ये देखने की कोशिश करेंगे कि डिजिटल फोन कैसे काम करता है। अगर आपको मान लीजिए आपके किसी की जॉब, आपके काश्मीर में तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है काम करने का, एक अच्छे होटल बन जाए, वहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर आने की भी संभावना है, तो वो जब आएंगे तो डेफिनेटली सभी को इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, सभी को हर कमरे में टेलीफोन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप बड़ा सा 5 स्टार 7 स्टार या और भी टॉप लेवल का कोई अगर होटल वहाँ पे खुल रहा है और उसके अंदर अगर आप अगर जाएं तो हर कमरे के अंदर भी एक टेलीफोन लगाया जाता है, और हर रूम के बाहर भी वाईफाई, गैलरी में भी और अंदर भी मिले, ये दोनों चीज़ें आपको वहाँ पे अरेंजमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप किसी भी ISP से आप एक लीज लाइन लेंगे, जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि जैसे LTTC कैंपस है या यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, अगर नेट चलाना हो तो एक राउटर लगाना पड़ेगा और फिर लोकली लेवल पे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है? तो वो इंटरनेट के मामले में भी उसी तरह होगा। दूसरा, हर कमरे में भी टेलीफोन नंबर होगा ताकि कोई जो भी यात्री आए और रुके, ठीक है ना, कोई भी विजिटर आए और होटल में रुके तो अपने रूम से ही वो बटन फोन पे दबाता है और सारे जगह वो अपनी सर्विस को भी ऑफर कर सकता है, बाहर की दुनिया में भी कॉल कर सकता है। तो ये सारे चीज़ों का एक बेसिक आइडिया अभी जो हम प्रैक्टिकल कराने जा रहे हैं इसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ इस तरह से चीज़ें होती हैं, ठीक है? और आपके पास मौका भी बहुत है, इधर उधर जाने के बजाय क्यों ना हम अपने जो भी हमारा लोकल एरिया है, कश्मीर है या आपके पंजाब है, जो भी हमारा जो नियर बाई है उसमें बहुत जगह जहाँ भी डेवलपमेंट होने वाला, लद्दाख में तो हमने सुना है करीब 42 आसपास नए होटल्स और वो सारे चीज़ों का डेवलपमेंट होने वाला है और हॉस्पिटल भी खुलने वाले हैं, तो वहाँ पे अगले 7-8 साल में अगर इस तरह की कोई डेवलपमेंट वहाँ पर हो रही है तो वहाँ बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है। लेकिन इसके लिए हमें खुद भी पहले समझने की ज़रूरत होगी कि होता कैसे है, नहीं तो हम क्या होता है कि हम सबकी जो सोच ऐसी हो गई है, पहले यहाँ पे भी सारे जगह बात है लेकिन धीरे धीरे आपका मुंबई, दिल्ली जो हमारे डेवलप्ड एरिया हो चुके हैं इंडिया के, वो लोग आप
नौकरी के ऊपर ना डिपेंड होके खुद अपना इस तरह का एक सेटअप बनाते हैं और उस पर अपना काम करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग का भी दिमाग इस तरह से काम करेगा। पहले तो डेफिनेटली हर आदमी सर्विस ढूंढता है, तो जॉब लग जाती है, लेकिन जॉब से ही केवल बात नहीं बनने वाली, समय आ गया कि हम लोग खुद आत्मनिर्भर बने, हम जॉब देने वाले बने। जो शुरू में नए आए उनको मौका जरूर दें, लेकिन हम इतना रहें कि हाँ भाई मैं रह के 10 लोगों को नौकरी देता हूँ, ठीक है। इस तरह की भावना जनरेट होनी चाहिए, ठीक है। तो बिना देर के मैं आगे शुरू करूँ, और इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, अभी मेरा सवाल होगा, अभी तक जितना मैंने कुछ कराया है उसमें किसी को कोई समस्या कोई परेशानी आ रही है तो अभी वो पूछ सकता है, या फिर मैं आगे बढ़ूँ? हाँ या ना, कोई क्या माना जाए? आप लोग बोलते नहीं हो बहुत ही यस सर, आया समझ यहाँ तक, हाँ खान यहाँ तक आया समझ सर। आ गया समझ तक, ठीक यस सर, है। तो उसे बनाइए, और ठीक है आज हम फोन में, पहले आप ध्यान से सुनिएगा, बड़े आराम से बैठ के बनाइएगा, और फोन की घंटी जरूर बजाइएगा। आज आपको घंटी बजा के दिखाएंगे, रिंग जो है एक फोन से दूसरे को डायल करें तो रिंग कैसे बजेगा, आप इससे सामुलेटर पर भी ये देख सकते हैं, सुविधा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बिना देर किए स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपका तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने इस पे काम कर चुका है, इसको तो मैं सेव कर देता हूँ। एक फ्रेश बनाते हैं जो आईपी फोन है उसके हिसाब से, और इसको भी हम सेव एज कर देते हैं आप ही के फोल्डर के अंदर। आईपी फोन के नाम से सबसे पहले अगर आपको अपने कैंपस के अंदर इंटरनेट लगाना होगा तो डेफिनेटली एक राउटर लेना पड़ेगा, और भी हमारे पास जो सामुलेटर अवेलेबल है इसमें सबसे बेस्ट राउटर आपका 2811 सीरीज का है, तो मैं इसको लेता हूँ और इसमें यहाँ पे लगाता हूँ। मैं बिल्कुल जॉब एड फॉलो करूँगा ताकि अगर आपको कोई मैच करना हो तो मैच कर सकते हैं, और कैंपस के अंदर ये लॉट ऑफ कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट करना है तो स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं स्विच ले लेता हूँ। पहले नंबर का स्विच लिया हमने, लगा दिया, और चूंकि मैं यहाँ पे आज टेलीफोनिक सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ तो कम से कम 2 टेलीफोन ले लेते हैं। क्लिक किया हमने यहाँ पे ऑन, तो यहाँ पे आप जैसे मूव करेंगे कहीं ना कहीं आईपी फोन नीचे यहाँ पे लिखा भी आता है, या आपका पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, सर्वर हो गया, प्रिंटर हो गया, तो इसी तरह से इसमें कहीं ना कहीं आईपी फोन भी होगा। मूवमेंट करके देखते हैं, ये एनालॉग नहीं लगाना है, आईपी फोन ये वाले फोन को यूज करना है। और आईपी फोन मतलब जैसे हमारा मोबाइल फोन है वो आईपी फोन है, स्मार्टफोन है जिसे आप कहते हैं, तो लैंडलाइन के केस में इसमें आईपी फोन बोल देते हैं, बेसिकली स्मार्ट लैंडलाइन फोन कह सकते हो। जोड़ दिया हमने, 2 फोन ले लिया कम से कम, और ये मान लीजिए अगर आप होटल में लेंगे तो एक राउटर लगाएंगे, स्विच लगाएंगे, 2 फोन लगाएंगे, कमरे के अंदर इंटरनेट देना हो तो आप एक फोन भी लगा सकते हैं, एक कंप्यूटर भी लगा सकते हैं। इन्हें आपस में जोड़ना है तो डेफिनेटली केबल की जरूरत पड़ेगी, केबल पे गए और सारे डिफरेंट डिवाइसेज हैं तो क्लिक किया, इसके मैं इन दोनों पोर्ट में से किसी भी एक पोर्ट में ले लेता हूँ, मैं 01 पे ले लेता हूँ और स्विच के भी 01 में लगा देता हूँ। फोन में गए, फोन में 2 ऑप्शन आएंगे, एक से आप कंप्यूटर जोड़ सकते हैं, दूसरे से आप स्विच जोड़ सकते हैं, तो मैं स्विच जोड़ देता हूँ, दूसरा मैं यहाँ फोन लेता हूँ, इसको स्विच लिया और दूसरा मैं यहाँ पे स्विच से जोड़ दिया। अब इसको इस कंप्यूटर को अगर मैं यहाँ वाईफाई लगा के वायरलेस के माध्यम से डायरेक्ट भी जोड़ा जा सकता है, और कमरे के अंदर ही अगर आप होटल कमरा बनाया तो होटल के अंदर ही आपने कंप्यूटर या लैपटॉप लगा रखा है एक विजिटर के लिए, जो भी यात्री आए उनको रुकने के लिए, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट केबल से लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपको केबल हम डायरेक्ट टेलीफोन सिस्टम में लगा सकते हैं, ये नीचे वाला इंटरनेट का पोर्ट होता है जैसे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और इसके पीसी में लग गए, एक कनेक्शन हो गया। कनेक्शन एक जनरल बेसिक का कनेक्शन बनाया, ए बी सी डी की तरह आप समझ जाए कि ये होता है, क्योंकि तो ये पूरा आपका कैंपस के अंदर है तो डेफिनेटली इस कैंपस का कोई ना कोई नेटवर्क आईडी होगा, और नेटवर्क आईडी मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ, नेटवर्क आईडी इसका 10.0.0.+8 कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें 2 टेलीफोन लगाएंगे, तो सबसे पहली बात हम जो काम करने जा रहे हैं तो मुझे किन किन स्टेप से गुजरना पड़ेगा, मैं यहाँ पे समराइज फॉर्म में लिख लेता हूँ और फिर मैं फटाफट उसको बना देता हूँ। तो सबसे पहली ज़रूरत पड़ेगी जो भी है कॉन्फ़िगर करना हो, तो सबसे पहले राउटर कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा,
राउटर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है राउटर इसमें कम से कम राउटर के अंदर अलॉटमेंट ऑफ आईपी टू राउटर एंड जो पोर्ट है इसका पावर ऑन करना या लिंक ऑन करना, पोर्ट लिंक अप करना है, अप का मतलब ऑन करना होता है। पहली चीज तो ये कर सकते हैं। दूसरा जो भी हम फोन लगाएंगे फोन को जो आईपी दिया जाएगा वो मैनुअली तो देंगे नहीं हम, वो ऑटोमेटिक देंगे। तो दूसरा हम डीएचसीपी सर्विस चालू करेंगे, किसके लिए, फोन के लिए करेंगे, ये भी हो जाएगा। तीसरा क्योंकि मैं यहाँ पे टेलीफोनिक सिस्टम का काम करना है तो मुझे राउटर के अंदर टेलीफोनिक सेवा चालू करने के लिए भी प्रोविजन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो टेलीफोनिक सर्विस नियम करेंगे, टेलीफोनिक सर्विस चालू कैसे किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ जो टेलीफोनिक सर्विस चालू करेंगे तो जितने भी हम फोन लगाएंगे उनको क्या नंबर दिया जाए, तो अलॉटमेंट ऑफ फोन नंबर, ठीक है ना, उनको फोन नंबर। जैसे कि नॉर्मली क्या होता है कि जो होटल का जो रूम नंबर होता है उसी के आधार पे हम लोग फोन नंबर दे देते हैं। मान लो आपके होटल के या रेस्टोरेंट का जो भी कमरे में जिसको भी रुकवाना है तो उसका रूम नंबर 101 है तो उसका टेलीफोन नंबर भी 101 हो। तो ये आपके हाथ में है, आप कैसे करेंगे, तो अलॉटमेंट ऑफ टेलीफोन नंबर आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो स्विच होता है, ये जो स्विच है, स्विच के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो स्विच है उसके अंदर जो भी आपका पोर्ट होते हैं वो इंटरनेट के लिए तो चालू होता है लेकिन टेलीफोनी के लिए चालू नहीं होता। तो मैं स्विच को टेलीफोन सर्विस के लिए चालू करूंगा, स्विच इनेबल करेंगे टेलीफोन सर्विस के लिए, ठीक है ना, टेलीफोन सर्विस के लिए मैं इसको चालू करूंगा, ठीक है। तो ये पांच बेसिक काम करेंगे। इस पांच बेसिक काम करने के बाद फिर हमारा ये एक दूसरे टेलीफोन को नंबर डाल करके हम लोग देखेंगे। आज का हमारा टारगेट यही है, आपको ध्यान से सुनेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मेरा सेशन खत्म हो जाए तो आप लोग इसे बनाएं या हो मेरे साथ भी बनाएं। थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ तो हो सकता है कि आप मेरे से बैक हो जाए, तो लेकिन आप इसे बनाएं, वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी ही, ठीक है। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ। मैंने एक आईपी एड्रेस लिया है, एक नेटवर्क आईडी लिया है, इसके अकॉर्डिंगली जो भी मेरा एक पहले इस पोर्ट को माइकी देंगे, क्लिक करते हैं, सीएलआई मोड में जाएंगे। यहाँ पे हम चूंकि सामुलेटर है तो मैं यहाँ कोई लैपटॉप या कंसोल केबल नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन रियल में तो आपको लैपटॉप और कंसोल केबल को राउटर में लगा के ही सारा कॉन्फ़िगरेशन करना है। यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग यस या नो, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ तो ये ऑलरेडी राउटर के अंदर किसी भी तरह का कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो भी यहाँ पे नो लिखना है। अगर मैं ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन होता और फिर मैं राउटर को ऑन करता तो मैं यस लिखता। उसका कारण यह था कि जो पहले से मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया है वो रिस्टोर हो जाए, तो मैं अभी नो लिखता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट आप यूजर मोड में आ जाएंगे। अगर आप यस लिखेंगे तो क्या होगा, ये सवाल आ सकता है मन में। तो डेफिनेटली हम जब यस लिखेंगे तो राउटर कहेगा कि जो मुझे चला रहा है वो मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान है, तो वो पूरी कोशिश करेगा कि वो काफ़ी देर तक रिसर्च करने की कि जो मेरा यूजर है, जो मेरा बॉस है, वो मुझे कमांड दिया है वो कहाँ मिलेगा, लेकिन उसको मिलेगा नहीं। उतनी देर तक आपका सिस्टम हैंग रहेगा, फिर उतनी देर बाद वो चालू होगा। तो टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए यहाँ पे आपको अगर पहले से होता तो फिर तो प्रोसेस में लग जाता, थोड़ी देर बाद कहेगा कि आई डोंट नो व्हाट आर यू सेइंग, डॉक्टर ही बोलेगा आप मुझे मालूम नहीं आप क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। अब मैं इनेबल करूंगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊंगा। सबसे पहला काम अलॉटमेंट ऑफ आईपी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा INT या फिर 0/1 पे मैंने केबल लगाया है उससे चला गया, आईपी अलॉट कर देते हैं, आईपी एड 10.0.0.1 से शुरू कर देते हैं, /8 रखा है तो 255, ये तो होगा। इसमें आप मुझे लगता है सभी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये जो राउटर का पोर्ट होता है इसकी पावर सप्लाई बंद होती है तो नो सेट कर देते हैं, जो भी काम करें डू राइट कर देते हैं और एग्जिट कर देते हैं, राइट। तो कितना आसान है कि मैंने सबसे पहला काम किया राउटर कॉन्फ़िगरेशन, जो आप मेरे पहले प्रैक्टिकल से आज तक कर रहे हैं, या उसमें आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब दूसरा काम है DHCP सर्विस, जो भी यहाँ पे टेलीफोन है इनको चूंकि इंटरनेट से कम्युनिकेट कराना है, VOIP वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ठीक है, यानी कि जो आजकल हम जैसे व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं VOIP बोलते हैं, ठीक है, इस तरह का कम्युनिकेशन रखना है इससे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले DHCP चालू करना पड़ेगा। बिना इंटरनेट का आईपी का एड्रेस के आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो यहाँ पे लिखेंगे आईपी DHCP पूल, ठीक है ना। किसके लिए हम बना रहे हैं, फ़ोन के लिए, तो फ़ोन लिख देंगे, ठीक है। फिर मेरा राउटर कहेगा कि ओके आपने जो बनाया
अब मैं यहाँ पे डीएचसीपी पुल बना रहा हूँ, तो सबसे पहली बात आपको मालूम है कि डीएचसीपी पुल बनाते हुए गेटवे की जरूरत होती है, तो मैं डिफॉल्ट टैब बटन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। डिफॉल्ट हाइफन जो टैब जो गेटवे होगा आपका, यहाँ पे मैं साइड में ले आते हैं, ये जो पोर्ट है इस पोर्ट को ही आईपी देना पड़ेगा, 10.0.0.1 गेटवे। दूसरा किस नेटवर्क का आईपी बांटना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेटवर्क 10.0.0.0, ये हम लोग लास्ट सेशन में भी कर रहे थे, तो उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस नेटवर्क का हमें आईपी बांटना है। और एक चीज आप सभी को ध्यान में रखने की जरूरत है, जब हम टेलीफोनिक सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 100% जो आईपी होता है, कभी भी पूरे 100% आईपी को हम टेलीफोन के लिए रिजर्व नहीं रख सकते, क्योंकि अगर रख दोगे तो कल को कोई समस्या आएगी तो फिर कॉन्फ़िगर कैसे करोगे, तो मुझे कुछ ना कुछ आईपी रिजर्व रखनी पड़ेगी। कल के सेशन में सर्वर में तो मैंने बता दिया था कि कैसे रिजर्व किया जाता है, इसमें कैसे रिजर्व किया जाता है वो आईपी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि टोटल कितने ही आईपी, क्योंकि स्लैश 8 है, इसका मतलब है कि 2 की पावर 32 माइनस 24 माइनस 2, इतने ज्यादा नंबर ऑफ आईपी पॉसिबल है। तो इसमें जो कुछ आईपी ही केवल फोन को हो, 100, 150, 300, 400, जितने होटल कमरे उतने ही फोन में अलाउ करूँ, उतने ही आईपी अलाउ करूँ, तो मैं यहाँ पे एक लाइन फायर करूंगा, ऑप्शन कितने आईपी, 150 आईपी, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से शुरू हो ये हम लिख सकते हैं 10.0.0.1, इसका मतलब है कि एक से लेके 150 आईपी तक हम ये बांटेगा। तो डीएचसीपी भी चालू हो गया, डू राइट करते हैं और एग्जिट कर देते हैं। दो काम हो गए, मैंने पहला काम किया राउटर के पोर्ट को आईपी दिया, दूसरा काम किया डीएचसीपी सर्विस चालू किया, जिसमें मैंने ये चीज इंश्योर की कि मैं 100% आईपी टेलीफोन सिस्टम के लिए ना रखूं, कुछ आईपी मैं रिजर्व रखूं जरूरत पड़ने पर अपने सिस्टम के अंदर लैपटॉप या कंप्यूटर लगाकर मैं कॉन्फ़िगर कर सकूं। तीसरा हमारे सबसे बड़े तीसरा काम है टेलीफोनी सर्विस चालू करना है, तो मैं यहाँ पे राउटर के अंदर टेलीफोनी सर्विस चालू करूंगा, टैब बटन यूज कर रहा हूँ, पूरा कमांड अपने आप आ गया टेलीफोनी सर्विस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कितने फोन लगा सकते हैं ये राउटर के कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो मेरा राउटर है, इस राउटर में 2811 है, करीब 8 टेलीफोन लगा सकते हो। आपको ज़्यादा टेलीफोन लगाना है तो और हायर कैपेसिटी वाला या एफिशिएंसी वाला राउटर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें मैं टेलीफोनी अभी लिख देता हूँ, मैक्सिमम कितने फोन लगा सकते हैं, ई फोन 5 लिख देते हैं कि 5 फोन हम लगा सकते हैं, मैक्सिमम ई फोन 5, ठीक है। और ये जो फोन लगा रहे हो इस पे कितने डिजिट का टेलीफोन होना चाहिए, 3 डिजिट 5 डिजिट, ये आपके हाथ में, क्योंकि लोकल आप अपने होटल या हॉस्पिटल या कॉलेज के कमरों में टेलीफोन बांट रहे हो, तो ये डिजिट आपके हाथ में है ना, कि आप कैसे डिसाइड करते हो तो कितने डिजिट का हो। तो मैक्सिमम जो डीएन है डिजिट है वो 5 डिजिट का हो जाएगा, वो भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। दो चीजें हो गई, मैंने राउटर को बोला हे राउटर तुम्हें टेलीफोनी सर्विस चालू करना है जिसमें 5 फोन लगाए जाएंगे और सभी 5 होंगे, तीसरा तुम आईपी कहाँ से उठाओगे, तो तुम्हारा जो आईपी सोर्स होगा, नेक्स्ट लाइन फायर करोगे, जो आईपी जो सोर्स उठाओगे, सोर्स एड्रेस होगा, कहाँ से आईपी बांट रहे हैं, इस पोर्ट से बांट रहे हैं हम। हो सकता है कि आपके नेटवर्क में एक से ज्यादा डीएचसीपी सर्विस इनेबल हो, टेलीफोन के लिए अलग हो, आपके कंप्यूटर इंटरनेट के लिए अलग हो, या आप कर सकते हो, क्योंकि समय के साथ साथ आप और भी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं ये कह रहा हूँ, मैंने जो बनाया है 10.0.0.1 पे, उससे ही मैं आईपी लूंगा और कहीं से नहीं लूंगा। और ये जो आईपी लेगा कि इस बात को इंश्योर करना है कि किस चीज के लिए ले रहे हैं, तो पोर्ट 2000, जब मैंने आपको ओएसआई लेयर के बारे में पढ़ाया था तो एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जो ट्रांसपोर्ट जो 6 लेयर होती है ओएसआई में, जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है वह इस बात को इंश्योर करता है कि किस चीज का कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो आईपी ले रहे हैं वो इसीलिए पोर्ट नंबर टेलीफोनी सिस्टम का 2000 होता है, 2000 होता है, इसे मैंने टेलीफोन लिखा, ठीक है, इंटरप्रेस कर दिया। और एक लास्ट चीज रह जाती है, किस टेलीफोन को क्या नंबर मिले, क्या आईपी मिले, इसके लिए क्या कर सकते हो, इसके दो तरीके हैं, एक तो मैनुअली असाइन कर सकते हो, दूसरा ऑटो असाइन कर सकते हो। तो क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं, अभी लर्निंग स्टेज में है, तो बहुत ज़्यादा कमांड देके मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, अभी आप ऑटो असाइन कर दीजिए। ऑटो असाइन का मतलब है जो टेलीफोन पहले लगाओगे उसको पहला जो भी टेलीफोन नंबर अलाट करोगे वो अलाट हो जाएगा, दूसरा टेलीफोन लगाओगे दूसरा अलाट हो जाएगा।
यहाँ पे तो मैंने दो टेलीफोन लगाए लेकिन हम पांच टेलीफोन की बात कर रहे हैं, तो पांच टेलीफोन हम लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑटो असाइन कर देता हूँ, ऑटो स्पेस असाइन 1 से लेके 1 to 5, 1 से 5 तक, ठीक है ना। डू राइट कर दिया और एग्जिट कर दिया, ठीक है। अब मैंने तीन काम कर चुके, राउटर कॉन्फ़िगरेशन, डीएचसीपी सर्विस, टेलीफोन। अब अलॉटमेंट ऑफ टेलीफोन नंबर, फोन का टेलीफोन नंबर तो हमने अभी तक कहीं नहीं बताया कि क्या टेलीफोन नंबर देना, ये आपके हाथ में। हाँ, हमने ये बात जरूर इंश्योर करी है कि 5 डिजिट का होगा, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि किस टेलीफोन का क्या नंबर होगा। ये बात भी हमने बता दी है कि पहले से शुरू करेंगे तो पहले वाले को पहला टेलीफोन मिलेगा, दूसरे को तीसरा, चौथे को चौथा, पांचवे को पांचवा मिलेगा। तो अब मुझे नेक्स्ट जो है अलॉटमेंट ऑफ नंबर बताना है, तो ephone-dn पहले टेलीफोन का क्या नंबर होगा, ठीक है। 5 डिजिट का कोई भी नंबर लिख सकते हो। मैं यहाँ पे 1 2 3 4 मैं जॉब एड फॉलो कर रहा हूँ आपको। 5 डिजिट का मैंने पहले टेलीफोन का नंबर दे दिया। डू राइट करेंगे, डू राइट का मतलब आप समझते हैं, सेव कर रहा हूँ, एग्जिट कर दिया। अब मैं दूसरे टेलीफोन के लिए वो करने वाला हूँ अलॉटमेंट, दूसरा जो टेलीफोन है आपका मैक्सिमम डीएन, सॉरी ईफोन डीएन, सॉरी ईफोन आपका जो होगा ईफोन कितना डीएन, यस सर, डीएन ईफोन डीएन 2 के लिए। एंटर कर दीजिए डीएन 2 दूसरे टेलीफोन का, इसका जो नंबर है नंबर लिखेंगे नंबर 0000 2, राइट, ठीक है। दो राइट कर दीजिए, 5 टेलीफोन है आप 5 दे सकते हो। इसी तरह ई बी एन 3 पे चले जाओ, टी 4 5 पे, ठीक। फिलहाल मैंने 2 लगाया है तो अभी 2 ही लिख रहा हूँ, ठीक है। एग्जिट कर दीजिए, ठीक है। डू राउट कर चुका हूँ, तो मैंने ये शुरू के 4 काम कर दिए। मैंने बहुत आसानी से फिर से रिवाइज कर देता हूँ। मैं राउटर के अंदर गया, राउटर को पोर्ट सप्लाई जो भी था मैंने उसके पोर्ट पे नंबर 01 पे जो भी मैंने प्लानिंग की वो दे दिया। डीएचसीपी सर्विस चालू कर दी, तीसरा टेलीफोन सर्विस के लिए मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया, क्या क्या टेलीफोन नंबर दिए जाने वो मैंने हमने बता दिया। अब लास्ट है ये जो स्विच है, स्विच के अंदर सभी जो पोर्ट होते हैं, इंटरनेट के लिए तो कुछ नहीं करना होता, इनेबल्ड होता है, टेलीफोनी सर्विस के लिए इनेबल्ड नहीं होता। तो मुझे टेलीफोनी सर्विस अगर चलाना है तो मैं स्विच के अंदर जाऊंगा, और इसमें भी लैपटॉप लगाओ, कंसोल केबल से लगा के यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो मैं तो क्लिक करता हूँ, डायरेक्ट CLI पे जा रहा हूँ, क्योंकि ये सिम्युलेटर है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इनेबल, बिल्कुल उसी तरह से कौन सी कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास में आपका जो पोर्ट है, अगर INT FA0/, अगर मैं 1 कर दूँ, मान लो सपोज करो FA0/1 कर दूँ, तो इस पर केवल एक पोर्ट पे जा पाऊंगा, ठीक है ना। अगर मैं एंटर करूँ तो केवल मैं एक पोर्ट पे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सभी पोर्ट स्विच है तो सभी पोर्ट को मैं टेलीफोन लगा दूँ, टेलीफोन चले, इंटरनेट लगा दूँ तो इंटरनेट से चले। तो मैं इसको पहले एग्जिट कर देता हूँ, और मैं सभी पोर्ट पे एक साथ, अदरवाइज मुझे 24 बार 24 टाइम मुझे कमांड फायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एक ही बार में हो जाए, तो INT range का मतलब 01 से लेकर 24 तक जितने भी हैं सब पे एक साथ कमांड फायर हो जाए। क्या कमांड फायर हो जाए कि हे स्विच, तुमको टेलीफोनी सर्विस के लिए भी चालू होना है, तो तुम्हारा स्विच पोर्ट जो मोड होगा, स्विच पोर्ट पोर्ट जो मोड है वो क्या एक्सेस कराना है, मैं ये पहले फायर करूंगा, ठीक है। क्या एक्सेस कराना सबको, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बताया, अगर मैं माउस के ऊपर इसके ऊपर स्विच के ऊपर ले जाऊं, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि पहले पोर्ट नंबर लिखा है, लिंक लिखा, फिर बी लाइन लिखा है। तो मैंने एक चीज पहले भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, स्विच के अंदर कोई बी लाइन नहीं होता, इसलिए सभी स्विच को एक ही बी लाइन के अंदर बोला जाता है, B-Line 1। कोई बी लाइन नहीं मतलब एक ही बी लाइन का नहीं, एक ही ग्रुप है जिसको B-Line 1 माना जाता है। बी लाइन की एक क्लास होगी जो मैं आपको अगले सेशन में आपको बताएंगे क्या है, क्योंकि बी लाइन की मदद से ही हम लोग पूरा इंटरनेट भी कर रहे होते हैं। कैसे एक ही आईपी एड्रेस पे इतने सारे लोग इंटरनेट कैसे कर पाते हैं, वो बी लाइन की वजह से पॉसिबल है, ठीक है। तो अभी मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, बस अब इतना रखिए कि स्विच के अंदर कोई बी लाइन नहीं होता, बाय डिफॉल्ट सभी स्विच के सभी पोर्ट एक ही बी लाइन के अंदर होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा क्लिक करके यहाँ पे मैंने क्या किया, सारे पोर्ट पे गया, सबका मोड में बदलने जा रहा हूँ, सभी ग्रुप का मोड लाइन क्या मोड होगा, स्विच पोर्ट, मैं फायर करूंगा स्विच पोर्ट वायस बिलोन,
यहाँ पर मैं लिखूंगा हे स्पीच कोड, तुम्हारा जो मोड एक्सेस है वो सब वायस बीलैन वन, तुम्हारे जितने बीलैन वन है वो सारे वायस बीलैन बन जाए, ठीक है ना, सारे वायस बीलैन बन जाए डूराइव, यानी सभी ग्रुप पे टेलीफोन की सेवा चालू हो जाए। अब मेरा ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन वाला काम मेरे हिसाब से, तो मैंने कहीं गलती नहीं की है तो डेफिनेटली ये काम ओके हो चुका है। और मैं आपको यहाँ पे अब वो करके दिखाऊंगा कि कैसे टेलीफोन पे काम करेगा, ठीक है। अभी ये रेड है, रेड इस वजह से है, अभी तक हमारा जो पुराना टेलीफोन होता था, अगर आपके घरों में होगा तो उसमें जो पावर सप्लाई आती थी वो कहाँ से आती थी, एक्सचेंज से ही आ जाती थी, ठीक है। लेकिन अब नया टेलीफोन डिजिटल फोन है, चाहे मेरा मोबाइल फोन है, इसमें पावर सप्लाई कहाँ से आती है, आप अपने फोन के अंदर ही बैटरी लगाते हो या डायरेक्ट स्विच से लगा के फिर आप उसको चालू करते हो। तो जो नया फोन है उसमें पावर सप्लाई एक्सचेंज से नहीं आएगा, डिजिटल फोन में आप सीधा बैटरी लगाओगे और वो चालू हो जाएगा या डायरेक्ट पावर प्लग से लगाओगे। तो इनके ये सब रेड इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये अभी इसके अंदर कोई पावर सप्लाई नहीं है। तो मैं सबसे पहले जो भी फोन ऑन करना चाहूँ, मैं पहले जीरो को ऑन कर लेता हूँ, ये इसका पिछला हिस्सा है, मैं इसको साइज बड़ा कर देता हूँ, पिछला हिस्सा है, इसको जरा समझ, ये पीछे में दिख रहा है इसे, ठीक है। एक और इसको मैं, ये एडाप्टर है आप देख रहे होंगे, इसको पकड़ कर ये जो हमारा है इसको मैं पावर सप्लाई यहाँ पे ऑन कर देता हूँ और इसको जीवाई में चला जाता हूँ कि फ्रंट में इस तरह से ऑन होने लगेगा, ये दिखाई देने लगेगा। इसके अभी देखिए ऑरेंज होना शुरू हो गया है और ये ग्रीन होगा, आईपी एड्रेस लेगा, क्योंकि मैंने पहले टेलीफोन लगाया तो इसका पहला टेलीफोन नंबर अलॉट होगा, अगर मैंने कोई गलती नहीं की है। अब मैं दूसरे टेलीफोन को क्लिक करता हूँ, इसमें भी पावर सप्लाई लेता हूँ और इसको पीछे से पावर प्लग, ये देखा ना एडाप्टर की तरह लग दिखा रखा है, इसको भी ऑन किया और सामने रख देता हूँ। तो दोनों मैं फ्रंट में ले आता हूँ टेलीफोन आपको दिखाने के लिए। जब ये लग जाएगा, मैंने कोई गलती नहीं की है, तो दोनों पे टेलीफोन नंबर मिल जाएगा। सबसे पहले पावर सप्लाई हमने लगाया तो ऑन होगा, ऑन होने के बाद आईपी एड्रेस लेगा, आईपी एड्रेस लेने के बाद क्या टेलीफोन नंबर है वो सारे चीज़ें लेगा। इस काम में थोड़ा टाइम लगता है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर लिखा हुआ है, दैट्स ओके। तो अगेन मैं समराइज इसका पूरा समराइज कर रहा हूँ, जितनी देर आईपी या टेलीफोन नंबर लेने में टाइम लगा रहा है। मैंने आज का जो सेशन है वो आईपी टेलीफोन सिस्टम, जो आज का जो टेलीफोनी सिस्टम है, जो 4G 5G जो भी नया टेलीफोन सिस्टम है, वो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। अभी चूंकि मैंने लैंडलाइन की तरफ से बता दिया, आपको सिंपली टावर से कनेक्ट किया जाएगा, होगा बिल्कुल सेम जो मैं अभी करा है। इसमें क्या होगा, और ये काम आप अपने होटल, हॉस्पिटल, कॉलेज एंड कैंपस के अंदर आने वाले समय में हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। लोकल लेवल पे जितने भी टेलीफोनी सिस्टम होंगे उसका कोई भी आपको वो करने की जरूरत नहीं है, टेलीफोन नंबर लेने की जरूरत नहीं, आप खुद भी आप बना सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ये 002 है जो हमने यहाँ पे, इसका नंबर तो आ गया, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, तो ये कॉन्फ़िगर लिस्ट, इसका मतलब मुझे दोबारा चेक करना पड़ेगा कि मैंने कहाँ गड़बड़ी की है। आई डोंट चेक नाउ 002, अच्छा तो मैंने यहाँ पे जब टेलीफोनी सर्विस जो मैं चालू कर रहा था तभी मैंने, मुझसे गलती हो गई, क्योंकि मैंने क्या गलती किया है, मैंने यहाँ से टेलीफोन नंबर जब सर्विस चालू करने के बाद, यहाँ से आपको दिखाता हूँ, आईपी एड्रेस हो गया, आईपी एड्रेस के बाद ऊपर आ गई आईपी एड्रेस, उसके बाद हमने मैक्सिमम 5 फोन लगाए, सबको साइन के दिया, उसके बाद मैंने एग्जिट करके ई टेलीफोनी नंबर जो है हमारा जो शुरू किया हमने यहाँ पे ई टेलीफोन डिजिट 1, इसके लिए जो नंबर दिया हमने D11 के लिए, ठीक है ना। तो ये हमने ई फोन D1001, यहाँ पे हमारी गलती हुई, तो मैं इसको दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ, जो हमारा टेलीफोन नंबर का जो अलाटमेंट है उसमें गड़बड़ी हो गई है, अदरवाइज ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। 001 जो है वो मिस हो गया, कहीं भी मैंने 001 टेलीफोन नंबर नहीं दिया है, मुझे लग रहा है मैं गलती कर रखा है, ये दिया था। इसके बाद हमने जो राइट किया एग्जिट करने के बाद दूसरे को चला गया, ठीक है। इसको दोबारा से मैं रिवाइज कर देता हूँ, गलती आपको समझ में आ जाएगी। मैं राउटर के अंदर जा रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर मैं टेलीफोनी सर्विस चालू करूंगा, जो डिजिट 1 है उसके लिए क्या नंबर देना, दूसरा है उसके लिए मैं क्या नंबर दूंगा, वो मैं आपको यहाँ चालू करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट इस वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखूंगा ई फोन, जो मैंने गलती की थी, -DN1, पहले फोन के लिए क्या नंबर देना है, ई फोन, क्योंकि मैंने कोई रिजर्व नहीं किया इसलिए ऑटोमेटिक वो हो रहा है, ई फोन जो भी डिजिट है मैं उसके लिए लिखता हूँ,
काम करते हैं, कभी पावर सप्लाई बंद कर देते हैं नहीं तो ये परेशान करेगा। मैं अभी इसकी पावर सप्लाई बंद कर देता हूँ। रिबूट कर दिया है, रिबूट करने के बाद दोबारा से हम इसको करेंगे। इसमें एक्चुअली मुझसे गलती हो गई, डीएन टू नहीं लिखा था, डायरेक्ट डीएन वन के अंदर ही मैंने दूसरा टेलीफोन डिजाइट कर दिया, तो ये मैंने पहले फोन लगाया था तो इसको ये मिल गया अपने आप। ठीक है, तो अब मैं दोबारा से करूँगा और दोबारा से उसको फिर चालू करूँगा, तभी मैं इसके पावर सप्लाई दोनों के बंद कर देते हैं। गलतियाँ करना बहुत ज़रूरी होती है, अभी हम सीखते हैं कहाँ गलती की है। तो मैंने डीएन वन के अंदर ही जाकर पहला टेलीफोन नंबर भी अलाट किया, उससे बाहर नहीं हुआ, मैं दूसरा टेलीफोन नंबर उसी पे अलाट कर दिया। तो जब मैं कोई नई चीज़ अलाट करता हूँ पिछले वाले के ऊपर ओवरराइट हो जाता है, राइट। ठीक है, इसको ऑन हो जाने दीजिए, ऑन हो गया। तो मैं दोबारा से इनेबल कॉन्स की, अब मैं इस पर टेलीफोनी नंबर चालू करूँगा जो दूसरा वाला है, क्या टेलीफोन नंबर दिया गया वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा आपको, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आएगा तो मैं लिखूँगा ई फोन, पहले लिखना है यहाँ पे ई फोन आईफोन डी एन वन। ठीक है ना, डी एन वन के लिए पहले टेलीफोनी सर्विस के लिए जाने के लिए उसके बाद पूरा रिपीट करना पड़ेगा, सारी चीज़ें मुझे रिपीट करनी पड़ेगी। टेलीफोनी सर्विस, ठीक है ना, मैक्सिमम कितने फ़ोन लगाने हैं तो मैं सारा रिपीट कर देता हूँ। मैक्सिमम मैक्सिमम ई फोन, पांच फोन के लिए बात की थी तो मैं पांच ही फोन रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, मैक्सिमम कितने डिजिट का था, पाँच डिजिट का, वो भी मैं बात कर देता हूँ। ठीक है, और इन सबको जो आईपी अलॉटमेंट होगा वो कहाँ से होगा वो पहले हम इंश्योर करेंगे। तो मैं लिखूँगा आईपी सोर्स एड्रेस 10.0.0.0.1 से शुरू होगा, आईपी सोर्स आईफन ये एड्रेस 10.0.0.1 पोर्ट कहाँ से लेगा, ये 2000 टेलीफोन सिस्टम से लेगा, ये हमने ले लिया। ठीक है, इसके बाद इसको डिराइव करेंगे और फिर एग्जिट करेंगे। इसके बाद हम जब आएंगे, सॉरी सामान गलत हो गया, डिराइव करने के बाद एग्जिट करना है, जस्ट वेट नाउ। जब कमांड गलत देते हैं तो रियल में भी हमें बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ता है। राउटर बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसीलिए जब आप कोई भी नया जो भर्ती होती है ना तो उनको डायरेक्ट राउटर के ऊपर नहीं बैठाया जाता, कहीं गलत कमांड दे दिया तो पूरा सिस्टम मिल जाता है। तो ये जो चीज़ें आप इतनी आसानी से देख रहे हैं, रियल में आपको इस पोस्ट पे बैठ के काम करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पहले आपको एक्सपीरियंस कराया जाता है ताकि, क्योंकि एक एक कमांड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसको मैं पहले डिराइव करूँगा फिर एग्जिट करूँगा, उसके बाद मैं इसमें एक चीज़ रह गई आपको साइन छूट गया तो मैं दोबारा से लिख देता हूँ। टेलीफोनी सर्विस बारह से बारह जाती, मैक्सिमम ई फोन पाँच, मैक्सिमम डिजिट पाँच, फिर आई पी सोर्स कहाँ से लेंगे, आई पी सोर्स ले लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा ऑटो असाइन, ऑटो असाइन करेंगे कहाँ से कहाँ तक करना है। ऑटो असाइन
1, 2, 5 ठीक है, उसके बाद दो राइट करेंगे फिर एग्जिट करेंगे, उसके बाद किस टेलीफोन को क्या नंबर देना है वो मुझे यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। हम लिखेंगे ई फोन, सबसे पहले टेलीफोन नंबर 1 का क्या डिजिट होगा, ठीक है, इसको डालेंगे नंबर जो हमसे गलती हुई थी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, नंबर 0001 ठीक है, डू राइट, फिर इसके बाद एग्जिट करेंगे, उसके बाद ई फोन डीएन 2 पे जाएंगे, ये हमने मिस कर दिया था उसी में, और इसमें जो नंबर असाइन करना है, इसमें जो नंबर आप असाइन करेंगे डीएन 2 का आप करेंगे 0002 कर देते हैं, ठीक है ना, डी राइट, अब दोनों लाइट कर दो। अब मैं दोबारा से इसको देखूंगा, अब मैं इस फोन को दोबारा से आपके यहाँ फिजिकल में आइए, इसका जो पावर है पहले इसको रिमूव करिए, ऑफ करिए ताकि सही तरीके से ले सके, फिर इसको ऑन करेंगे जीवाई मोड में आ जाते हैं। दूसरा वाला फोन है, अब इसको आईपी अब सही मिल गया इसको, ठीक है ना, इसको अब सही मिल गया, पहले वाले का भी वेट कर लेते हैं, ठीक है, अब दोनों का इंतजार कर लेते हैं, इसका भी हमने रीसेट किया है, इसके बाद सभी सही हो जाएगा तो उसके बाद हम एक दूसरे को कॉल कर पाएंगे। तो इसका कॉल के साथ ही आप लोग इसको बनाइएगा, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का भी सही तरीके से काम करेगा, ठीक है, जस्ट वेट डाउन नाउ देन। ये आपके सामने नंबर आ गया 001, इतना टाइम लगता है, अब इस नंबर को हम लोग डायल करके दिखाएंगे। मान लीजिए ये दो टेलीफोन आपको फ्रंट में रखा है और मैं इसको डायल करूँ, पहले डायल कॉल सुनाई देती है, जैसे कि आप लोग सुनाई दे रहे हैं, अब ये नंबर 001 है। मैंने खुद को डायल कर दिया, खुद को डायल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से कम्युनिकेशन अटेंड कर लेते, अटेंड कनेक्टेड हो गया। अगर इसको अगर हम वापस डायल करने की कोशिश करें तो मैं इसको क्लिक, आपको रिंग बज रहा दोनों की तरफ, ठीक है, तो आप समझ गए फोन कैसे काम करता है, वो फोन इस तरह से काम करता है, थोड़ा कंफिगर करना पड़ेगा। और 5 फोन तक मैंने किया, तो इस तरह के 5 फोन लगा सकते हैं, 5ों को नंबर हम लोग दे सकते हैं, कर पाएंगे, हाँ या ना? यस सर, यस सर, करके यू ट्राई, बेस अच्छा लगेगा आपको करके, ठीक है ना। तो आप क्या 4 बजे हम लोग मिलेंगे 4 PM पे, और आज आपकी जो क्लास है एक हमारे यहाँ ऑप्टिकल फाइबर केबल के ऊपर है, आप थोड़ा सा टेक्निकली और पढ़ लीजिए, ठीक है। तो अगेन वी सी ऑल ऑफ यू एट 4 PM टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। पूछना है, चलो भाई, टाटा बाय बाय।